जो सांस का प्रॉब्लम है वो अपना ऑक्सीजन लेके आना और अरुणाचल आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा बोला है। फॉलो माय सोल इस्ट। ओके, मीट मी इन यूट्यूब। ओके, देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल। किसी का पास एनर्जी नहीं है बात करने का। तो गाइस गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद इंडिया। गाइस हम अभी अभी पहुंचा है पेंगोंग लेक। चलो लेक के सामने। अकेला अकेला बहुत देरी से घूम रहा है दोस्त लोग को ढूंढते हुए। और ना पेंगोंग का कलर जो चेंज होते रहता है इस डिपेंड अपन इसका जैसे रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे वो ऑब्जर्व करते जाता है। और ये देखो यहाँ पे बैठा था अमीर खान लोग और कैटरीना कैफ का स्कूटी वहाँ पे है और बहुत बड़ा है। 40% सिर्फ इंडिया में है, 60% तो चाइना में चला गया, बट बहुत बड़ा है। गाइस हम अकेला, मुझे फोटो शूट कर देने वाला कोई नहीं है। रपदान का उधर में जाएगा। गाइस पेंगोंग लेक में बहुत बॉलीवुड का फिल्म शूटिंग हुआ है, बट थ्री इडियट आमिर खान लोग आने के बाद में ये लद्दाख जो बहुत और भी फेमस हो गया एंड स्पेशली ये पेंगोंग। और चलो हम भी थोड़ा चलते हैं फोटोशूट, स्कूटी स्कूटी में बैठ के थोड़ा अपना आपको करीना कपूर से उसके ठीक है। Okay, babe, who is scooter owner? Yes. Yeah. Firstly. Oh. 50 rupees is not. कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए आप 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बट ट्रेडिशनल थोड़ा ज़्यादा लेता है। एंड बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे मिलके। थैंक यू। ये दोनों साउथ कोरिया से आया है और सब लोग बोला है हम दोनों को दीदी बहन है क्या बोल के ना, तो अच्छा लगा है। We are same, look like the same. फाइनली हम लोग बहुत टायर्ड के साथ में पेंगोंग को गुड बाय करके जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएगा चांगला पास में एंड चांगला पास का रास्ता भी कैसे है कुछ पता नहीं, शायद वही कतरक मतरक। अभी तक तो रास्ता ठीक है, अच्छा लगा है चलाने में, बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ देखो पेंगोंग अभी तक थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, उसका बाद में ये पहाड़ से हम लोग होके टर्निंग ले जाएगा तो पेंगोंग चुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और वो देखो ग्लेशियर इसी तरफ ग्लेशियर चारों तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ में सामने में पहुंच गया हम लोग चांगला पास का सामने में। इसलिए चांगला पास 17,000 अबव द सी लेवल है, सो हाइट बहुत होगा। इससे भी ज़्यादा हाइट वाला उमलिंगला बाकी है, हम लोग का लास्ट ट्रिप होगा उमलिंगला। गाइस रास्ता ब्लॉक हो गया, तो खूबसूरत जगह में हम लोग पार्किंग हुआ है। देखो सीटों को देखते हैं, बने रहने कुछ आसान नहीं है ग्लेशियर के बीच में। रास्ता बना रहा है इसलिए रुका दिया हम लोग को, इतना राइडर्स लोग देखो पूरा बिहारी जाम रुक गया। फाइनली हम लोग पहुंच गया चांगला पास में, ये थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रूट है वर्ल्ड का, तो यहाँ में पहुंचना भी इतना आसान नहीं था, बट लद्दाख आया तो जाना है आना है यहाँ पे। और चलो राइडर्स गुजरात का है। आई एम फ्रॉम सोमनाथ।
हाँ ये लोग भी आया है बहुत घूम घूम के यहाँ में हम लोग मिला है और अरुणाचल आएगा नोटिस आएगा बोला है फॉलो करो मेरा दिस चैनल गाइस फॉलो दिस चैनल माय सोल इज ओके मीट मी इन यूट्यूब ओके थैंक यू बाय बाय सो गाइस इसी तरह है चंगला पास देखो 5 लाख भी बहुत हम लोग ने कुछ भी नहीं लेके आया और ये देखिए इतना ऐसे देखिए कितना अपना से फोटो लेना पड़ेगा नो बॉडी इज देयर ये चंगला पास 17,000 लेना मेरा यूट्यूब चैनल किसी का पास एनर्जी नहीं है बात करने का ब्रो क्रिएट कॉन्सेप्ट क्योर सो गाइस हम है अभी संगला पास में 17,586 सी लेवल है और यहाँ में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है जिसका भी ऑक्सीजन लेवल खास का प्रॉब्लम है अपना लेके आना ऑक्सीजन चलो रहे मुझे कोई वीडियो मार देने वाला तो है नहीं तो मैं क्या करूँ ऐसे संगला पास पूरा स्नो में खेलते हुए ये तो स्नो तो खाने नहीं सीखेगा वाह ये मोटा मोटा देखो स्नो बिग स्नो ये ग्लेशियर है ये यहाँ में कितना फीट है होगा मालूम नहीं थोड़ा तो चंगला पास लद्दाख के स्नो भी तो खाना चाहिए बढ़िया चीनी का जैसा इतना मोटा है देखो अभी कश्मीर का स्नो खाने के लिए बाकी है लद्दाख का खा लिया भैया अरे अरे खेलने भी नहीं देता वीडियो भी लेने नहीं देता देखो सिर्फ जाएगा जाएगा चिल्लाते रहेगा ये मैच का टीम नीचे चलना कमिंग कमिंग